रुद्राचार्य महाराज को भगवान शिव पर टिप्पणी करना पड़ गया भारी। साधु संतों के विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज को फिर से मांगनी पड़ गई माफी। हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और साथ ही शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर आज परम ज्ञान आश्रम के साधु संतों ने एसएसपी से कथा पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस मामले के बाद संतों को भगवान बताते हुए उनसे पुनः माफी मांगी। बता दें कि इस मामले को लेकर साधु संतों का कहना था कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले कथा कथित लोगों का हर संभव विरोध किया जाएगा। वहीं साधु संतों का नेतृत्व कर रहे निरंजनी अखाड़ा के प्रवेशानंद पुरी का कहना था कि पहले भी कुछ लोगों द्वारा सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए इसी तरीके की टिप्पणियां की गई थी, जिससे धर्म से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भी कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और अब उसके बाद भगवान शिव के प्रति इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है, जिसका संत समाज विरोध करता है। मामले में संतों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज ने वीडियो जारी की, जिसमें वे कहते नजर आए कि उन्हें नहीं मालूम था कि भगवान शिव के प्रति उनके क्या गलत शब्द निकले हैं। अगर संत समाज को किसी प्रकार की क्षति पहुंची है तो वे संत उन्हें माफ करें, और वे बताते हैं कि संत भी भगवान का ही रूप है और भगवान का काम है कि अपने बच्चों को माफ करे, इसलिए वे पुनः संतों से माफी मांगते हैं। प्रवेशानंद पुरी, मैं निरंजनी अखाड़े का साधु हूँ और 3 तारीख को 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद सेमारू टीवी चैनल पे अनिरुद्धाचार्य मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी। उस दौर कथा के दौरान वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है उज्जैन में और भगवान महाकाल की नगरी है। इस तरह से भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले होते हैं। अब इस प्रसंग से हमें आपत्ति है, क्योंकि इस तरह का ना तो कोई प्रसंग ना कोई प्रमाण मिलता है, ना किसी हमने बुजुर्ग से सुना है अब तक। तो यही हम ज्ञापन देने आए थे कि इनके कथा पर रोक लगाई जाए, और इनसे सार्वजनिक मंच से इन्होंने कहा है, सार्वजनिक मंच से पे ही इनसे जवाब लिया जाए कि आपने किस आधार पर कहा है। क्या मांग को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? हमने ये दिया है कि इनके कथा पे रोक लगाई जाए। ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं, शास्त्र का खंडन कर रहे हैं, मर्यादा का नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं। ये लोग कथा के आड़ में सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं और हमें ये मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे सर पे, हम सन्यासियों के, हम साधुओं के सर पे जो है धर्म की रक्षा का भार है, शास्त्र की रक्षा का भार है, और हम शास्त्र को इस तरह से मतियामेट नहीं होने देंगे। धर्म का इस तरह से खंडन करने की आज़ादी इनको हम नहीं देंगे। हम इनके खिलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए हम आए हैं और मांग करते हैं कि प्रशासन जो है इन पर उचित कार्रवाई करके इनके कथा पे फौरन रोक लगाए पहले, और फिर इन्हें बुला के इनसे पूछा जाए कि आपने किस आधार पे कहा है। महाराज, ये ट्रेंड चल रहा है, भागवत प्रवक्ता हो या कोई भी महान पुरुष हो, पहले आप टिप्पणी करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं, किस तरीके? जी नहीं, ये गलत है। अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की तो पहले ही ना बढ़े, वो पहले ही रोक ले अपने आप को। अगर उसको भय है तो पहले ही रोक ले, और अगर निर्भय है तो डर किस बात का, आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ते चले जाओ। माफ़ी मांगने से तो इसमें तो माफ़ी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम सीधा इनकी कथा पे रोक लगाने की मांग करते हैं, और जब तक ये रोक नहीं लगेगा इनके कथा पे, हम इस तरह का जो है, अगर इसके लिए अगर हमें ऊपर भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और हम अखाड़े के साधुओं को इकट्ठा करेंगे। अभी तो हम ये 15-20 साधु लेके आए हैं, हजारों की संख्या में साधु होंगे, और हम इस मुद्दे के छोड़ने वाले नहीं हैं। इनकी कथा पे रोक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग मर्यादा का नाश कर रहे हैं, कथा आम समाज को भ्रमित कर रहे हैं, और ये जो उल्टी सीधी बातें लोगों को बता रहे हैं। कुछ लोग वैसे भी आजकल ज़्यादा एक प्रचलन चल पड़ा है हमारे धर्मशास्त्रों के ख़िलाफ़ बोलने की, हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ जो है उनको चलने की, तो वो उनको और ये मुद्दा मिलेगा और वो जो है हमारे शास्त्र का खंडन इनके साथ मिलकर करेंगे। हमें ये बात मंजूर नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र बचाना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी, और एक पूज्य संत जी
ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा, ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से, और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से यह अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा, गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं, और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का संतजनों का दिल दुखा हो तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में, इस दास को क्षमा कीजिएगा। यदि भगवान शिव के बारे में आपने कुछ सुना तो भगवान शिव तो हम सबके आराध्य हैं, और शिव का हरि हरि ओर न भेदः, हरि और हर में यदि हम तनिक भी फर्क करें और तनिक भी अपमान हरि और हर का करें तो हमारी जिह्वा गल जाए, कभी हृदय से हरि और हर का विरोध करके कहाँ जाएंगे। तो ऐसे दास को हरि और हर दोनों से ही प्रेम है और दोनों की उपासना दास करता ही करता है, और आप में से किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी भी वाणी से, टूटी फूटी वाणी मेरी है, उसे स्वीकार आप करते हैं, क्षमा भी करें, बारंबार चरणों में प्रणाम, यदि मेरी वाणी से अपराध हुआ है तो करोड़ों करोड़ बार दास आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तजन संतजन इस दास अनिरुद्ध को क्षमा अवश्य करेंगे, करोड़ों करोड़ गलती मैं करता हूँ उसके लिए क्षमा।